हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिंदी ट्यूब रोहित। आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों कर दीजिए। तो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, इस ऐसे का मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हिंदी में ट्रांसलेशन करके भी बताता रहूँगा। वाटर इज़ द प्रीशियस थिंग ऑन अर्थ, द सेकेंड नेम ऑफ वाटर इज लाइफ, बिकॉज एवरीबडी नीड इट। द वाटर इज नीडेड वेन एवर वी वॉश द क्लोथ, ड्रिंक वाटर, कुकिंग द फूड, बाथिंग एंड इन अवर डोमेस्टिक लाइफ। पानी पृथ्वी पर सबसे कीमती चीज़ है दोस्तों। पानी का दूसरा नाम जीवन है, इसलिए सबको इसकी आवश्यकता है। पानी की जरूरत जब भी हम कपड़े धोते हैं, पानी पीते हैं और भोजन पकाते हैं, स्नान करते हैं, और हमारे घरेलू जीवन में भी पानी की बहुत आवश्यकता होती है दोस्तों। वी नीड वाटर फॉर आवर सर्वाइवल, वी डू नॉट वेस्ट द वाटर, बिकॉज वाटर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर अस। वी मस्ट सेव द वाटर, अदरवाइज इन फ्यूचर देर इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर इट। दोस्तों, हमें जीने के लिए पानी चाहिए, हमें पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हमें पानी को बचाना चाहिए, नहीं तो हमें भविष्य में पानी की बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी दोस्तों। पीपल गो वेरी लॉन्ग डिस्टेंस फॉर वाटर इन मैनी रीजन इन इंडिया। वाटर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर, द वाटर इज ऑल्सो नीडेड फॉर मेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों, भारत के कई क्षेत्रों में पानी के लिए लोगों को बहुत दूर तक जाना पड़ता है दोस्तों। किसी के लिए पानी का बहुत बड़ा महत्व है। बिजली को बनाने के लिए भी हमें पानी चाहिए दोस्तों। वाटर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल, इफ देर इज नो वाटर देर इज नो रेनफॉल, देयरफॉर वी मस्ट सेव द वाटर टू प्रोटेक्ट अवर लाइफ, प्लीज सेव द वाटर। पानी ही वर्षा के लिए जिम्मेदार है दोस्तों, यदि पानी नहीं हुआ तो वर्षा भी नहीं होगी, इसलिए हमें अपने जीवन को चलाने के लिए पानी को बचाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप सबसे मेरी एक ही गुजारिश है कि पानी को बचाएं, वेस्ट ना करें, ताकि हमें भविष्य में इस पानी की कोई समस्या ना हो सके। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा बनाया हुआ ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।